हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं एचटी ग्रेट इंडिया फुटबॉल एक्शन के लॉन्च पे और हमारे साथ हैं अक्षय कुमार। अक्षय, आपको 5 साल हो गए इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए, तो कैसा रहा अब तक का सफर? बहुत बढ़िया, मज़ा आता है। स्पोर्ट्स की कोई भी चीज़ से जुड़े रहना बहुत मज़ा आता है, कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहना बहुत मज़ा आता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन से जुड़े रहना बहुत मज़ा आता है। अभी जैसे मैं आपका ये प्रोग्राम करने के बाद मैं एक स्पोर्ट्समैन से मिल रहा हूँ, तो उसके साथ भी मेरा डिनर है, सो आई टेल यू ऑल्सो, शिखर के साथ, शिखर धवन। अरे वाह। सो उसका मिल रहा हूँ, तो हम लोग मिल रहे हैं, बातें करते हैं, तो इट्स ग्रेट टू टॉक, यू नो, बिकॉज दे गिव यू सो मच ऑफ इंस्पिरेशन, दे गिव यू सो मेनी एनेक्डोट, दे गिव यू सो मच थिंग्स, सो मच देयर थिंग्स टू टॉक अबाउट, एंड वो दे लुक एट लाइफ, अ स्पोर्ट्समैन आई हैव सीन लुक्स एट लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे, उनका तरीका अलग होता है, बिकॉज वो लोग हार जीत सब देखते हैं, एंड डिफरेंट वे देखते हैं। सो इट्स ग्रेट टू बी किसी भी एक कोई भी स्पोर्ट्स चीज़ों से जुड़े रहना जो कि सच्ची स्पोर्ट्स चीज़ हो, मतलब इसमें कोई चीटिंग नहीं होती है या कोई गलत काम नहीं होता, उसमें उसके साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे यंग फुटबॉलर्स हैं जिन्हें गाइडेंस चाहिए होती है अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, सो एचटी जीफा जैसा टूर्नामेंट आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ यंग फुटबॉलर्स इन अ कंट्री? आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज ग्रेट, जो आप जीफा कर रहा है, एंड इतने सारे बच्चे आते हैं यहाँ पार्टिसिपेट, आज कितने बच्चे होंगे यहाँ करीबन? 15,000 एंड इतना ऐसे क्यों बोला? आपको बताने के लिए तो जोर से बोल रहे थे 15,000 बच्चे होंगे, मैं समझा कि ये अच्छा खुफिया बात है बतानी नहीं है। अच्छा 15,000 बच्चे हैं इधर, एंड जिस हिसाब से आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो, जिस हिसाब से इनके आपस में कॉम्पिटिशन होता है, और जिस लेवल पे आप लोग करते हो, इट बिकम्स लाइक एन इवेंट फॉर ऑल ऑफ देम, एंड दिस इवेंट देयर इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर देम इन देयर स्कूल्स एंड प्लेसेस, सो आई थिंक व्हाट यू गाइस आर डूइंग इज ग्रेट। एचटी जीफा में हमारी हमेशा कोशिश रही है गर्ल्स एंड बॉयज़ का इक्वल पार्टिसिपेशन रहे, और जनरली हम देख रहे हैं कुछ सालों में ऑल गर्ल्स टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है, और वो सिलसिला हम चाहते हैं आगे भी चलता रहे। आपको गर्ल्स टेकिंग अप स्पोर्ट और फुटबॉल इन जनरल के बारे में क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इट्स ग्रेट एंड यू गाइज आर डूइंग अ गुड जॉब विद दिस, एंड दिस शुड कैरी ऑन। फुटबॉल क्या, देर शुड बी अ, जैसे कि टेनिस में नहीं होता है डबल्स, बॉय एंड गर्ल वर्सेस बॉय एंड अ गर्ल, मुझे लगता है क्रिकेट में भी ऐसा होना चाहिए, इंटरजेंडर मैचेस, हाँ मतलब 6 लड़के 6 लड़कियाँ 12 जनों की टीम, सिर्फ बस उसमें ये रहे कि एक आदमी लड़की को बॉलिंग ना करे, बस लड़की लड़की को बॉलिंग करे, बिकॉज उनकी स्पीड करीबन 150-155 में आ जाती है। सो बाकी देन इट विल बी ग्रेट टू वॉच अ मैच लाइक दैट, एंड इट विल बी समथिंग, इट विल बी लाइक अ मिक्स डबल्स। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू वेरी मच।